कि हमारा सादा जुमला इसमें हमें हसर का मफहूम था, अल्लाहु हुवल गफूर। अब ये जुमला आपका बन गया, अब आप इसके शुरू में इन्ना भी दाखिल कर सकते हैं। इन्ना दाखिल करेंगे इसके शुरू में तो इन्ना ने अपना काम करना है, मुब्तदा को हालत नसब में ले जाना है, इन अल्लाह हुवल गफूर, ताकीद देखें पैदा मजीद हो गई, यानी पहले हसर का मफहूम हुआ फिर उसमें मजीद ताकीद आप देख रहे हैं इन्ना की वजह से। अब मजीद ताकीद पैदा करना चाहते हैं तो आप लाम ताकीद दाखिल करेंगे। अब वो लाम ताकीद की बेहतरीन जगह आपको कौन सी नजर आ रही है? ये हुआ के शुरू में लगेगा, जाहिर बात है आप उस पर तो नहीं लग सकता ये, लिहाजा वो लाम ताकीद आप यहां लगाएंगे तो अब इससे आप अंदाजा करें कि वो उसलूब कहां तक चला जाता है। यानी अब इस जुमले का तर्जुमा उर्दू जुबान में मैं समझता हूं कि नामुमकिन है। इन्नल्लाह लहुल गफूर, बस ख्वाहिश यही है कि आप उस उसलूब को समझें बस और उसको अपने अंदर जज्ब करें कि बात किस अंदाज में की गई है, किस दर्जे ताकीद आपको यहां मिलेगी। तर्जुमा करने लगेंगे तो आपको अल्फाज जो है वो निकालने पड़ेंगे दूसरी जुबान में, और तर्जुमा जो है किसी भी जुबान का मुमकिन नहीं है जहन में रखिए, और ख़ास तौर पर कुरान मजीद का तर्जुमा तो मुमकिन ही नहीं है। बस हम कुछ हम समझ सकते हैं उस हवाले से कि बात किस अंदाज में की गई है यहाँ पर। अब इसी स्लूप को सामने रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स कुरान मजीद से मैं आपके सामने रखता हूँ। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं वाइज़ा कीला लहुम मुनाफिकीन का, जहां पर तज़किरा है कि वाइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ उन लोगों की तरह जिस तरह ईमान लाए दूसरे लोग, मसलन हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और दूसरे सहाबा ईमान लाए, कालू तो कहते हैं अनुमिनू कमा आमन सुफहा, क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए? क्यों ये जुमला उनकी जुबान से निकलता था? दीन के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो कि अल्लाह का हुक्म ही होता था, कोई बात आती थी सहाबा के सामने तो अपना सब कुछ फौरी तौर पे पेश करने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत अबू की इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, आप सबके इल्म में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो सारा का सारा माल जो है घर का उठा कर ले आए हैं, एक चीज भी घर पर नहीं छोड़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सामान को आधा आधा किया एक हिस्सा, और बड़े इस उम्मीद के साथ कि आज उमर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से बाजी ले जाएगी, क्योंकि फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे हालात भी बड़े अच्छे थे लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सारा माल जो है वो अपना लेकर आए हुए थे। तो उस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने सोचा कि उमर तू अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। तो ये था खर्च करना दीन के लिए, कुर्बानी देना। अब हमारे आम इसको आप आज की जिंदगी में भी रखें तो हमारे आम मुहावरे में आप को लोग बेवकूफ कहेंगे कि ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है कि अपना सारा का सारा घर का सामान जो है वो लेकर आप पेश कर दें। तो जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे कि ईमान लाए दूसरे लोग तो कहते हैं क्या हम ईमान लाए इन बेवकूफों की तरह? अला सुन लो, आगाह हो जाओ, इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेशक बेवकूफ तो ये हैं, ठीक है, बेवकूफ तो ये हैं जो रुक रहे हैं, जो अल्लाह के रास्ते में हर्ज करने से कतरा रहे हैं, असल बेवकूफ तो ये है, ठीक है। इसी तरह आगे अल्फाज आपको मिलेंगे वाइजा की ला तुफ्सिदु फिल अर्दी, जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, कालू कहते हैं इन्नमा नाहनु मुस्लिहून, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा कर चुके हैं इन्नमा नाहनु मुस्लिहून उसलूब कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, सुन लो आगाह हो जाओ कि फसादी असल फसादी हैं, फसादी तो ये है। तो ये उसलूब आपको कुरान मजीद में नजर आएगा, असल में मकसूद यही है कि आप इस उसलूब को देख लें कि हसर का मफहूम आपको मिलेगा और फिर उसके बाद आपको उस पर इन्ना मिलेगा, कभी आपको लाम ताकीद भी मजीद जोर के लिए मिल जाएगी, यहां पर आपको वो लाम ताकीद नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये आपने पहचानना है कहां पर कौन सा उसलूब इस्तेमाल किया गया और उसके हवाले से उस बात को आपने समझने की कोशिश करनी है। कुरान मजीद में एक और बड़ी खूबसूरत आयत है इस हसर के मफहूम के साथ और फिर इन्ना और लाम ताकीद के साथ, उस बात
के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हम एक स्टेप आगे चलेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्म ख़त्म होने वाला है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम उसमें बस जुमला इस्मिया में मज़ीद उसको मनफी बनाना, उसको सवालिया बनाना, इस किस्म की दो तीन बातें और सीखकर तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह अपना फेल शुरू कर देंगे। अद्दारुल आखिरतु हयावानुन, ये अद्दारुल आखिरतु कौन सा मुरक्कब है, इसको पहचानिए। मुरक्कब है तौसीफी। आप देखेंगे कि दो अस्मा आपको चारों इतबारात से एक जैसे नजर आए तो मुरक्कब तौसीफी की तरफ आपका जहन जाना चाहिए। अद्दारुल आखिरतु तर्जुमा क्या करेंगे, उखरवी घर, ठीक, आखिरी घर। अद्दारुल आखिरतु हयावानुन, अरबी जुबान में जिंदगी के लिए एक हयातुन का वर्ड इस्तेमाल होता है, एक ये हयावानुन का लफ्ज है, ये भी जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। उखरवी घर जिंदगी है, आखिरी घर जिंदगी है, यानी एक तो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, वो आखरत का घर। अब उर्दू मुहावरे की मजबूरी है कि हम इसे आखरत का घर कहेंगे, हालांकि आखरत का घर मुरक्कब इजाफी है, लेकिन मुरक्कब तौसीफी में उसका तर्जुमा उर्दू में सेट नहीं बैठता, उखरवी घर या आखिरी घर इस तरह का तर्जुमा करना पड़ता है। आखिरी घर, उखरवी घर जिंदगी है। अब इसमें आप हसल का मफहूम पैदा करें, पहला स्टेप ये। मुरक्कब तौसीफी में असल हैसियत किसको हासिल होती है, मौसूफ को, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। आपने हसर का मफहूम पैदा करना है, मुब्तदा और खबर के दरमियान में एक जमीर लानी है हालत रफा वाली जो मुब्तदा के मुताबिक होगी, और मुब्तदा आपका मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी में असल हैसियत मौसूफ को हासिल है, लिहाजा वो जमीर मौसूफ के मुताबिक आएगी। अद्दारु ये वर्ड इसका एनालिसिस कर लें, वाहिद है, ठीक है, मुजक्कर है कि मोनस है, मोनस है, यानी मोनस में आपको जो मोनस समाई में हमने एक फहरिस्त पढ़ी थी उसमें आपको ये लफ्ज मिल जाएगा, तो ये मोनस वर्ड है, लिहाजा आप वाहिद मोनस की जमीर हालत रफा वाली उठाएंगे चार्ट से और यहां पर पेस्ट कर देंगे, वो क्या मिलेगी आपको, हिया। दूसरा स्टेप, खबर को मार्फा कर दें, अलिफ लाम लगा, तनवीन खत्म हो गई। अद्दारुल आखिरतु हियल हयावानो, हसर का मफहूम पैदा कि उखरवी या आखिरी घर ही जिंदगी है। शायद जोर आपने देखा कि इसमें पैदा हुआ। अब आप इस पर इसके जुमले इसमें अगर शुरू में इन्ना हर्फ दाखिल करें, इन्ना दाखिल किया इसके शुरू में, हमदतुल वस्ल, सारी बातें आपके साथ आ रही हैं। मौसूफ हालत नसब में जाएगा क्योंकि असल हैसियत उसको है। अद्दारा सिफत उसको फॉलो करती हुई हालत नसब में चली गई। इन दार आखिरता ही अल हयावान, मजीद जोर पैदा करना चाहते हैं तो लामे ताकीद हल पर लगेगी, ही आके शुरू में लगा दें। तो अब इस आयत का आप तर्जुमा मुझे करके दिखाएं क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुमकिन, शायद कोई उसका हल्का सा भी हमारे अंदर अगर घुस जाए तो हमारे दिन रात चेंज हो जाए। वमा हाजिल हयात दुनिया इल्ला लाहवुन वलाइब, नहीं है ये दुनियावी जिंदगी मगर खेल और तमाशा। व इन दार आखिरता लहियल हयावान लौ कानू यालम, खूबसूरत अल्फाज आ गए हैं कि लव कानू यालमून, काश ये जानते होते, काश ने मालूम होता। मैं नहीं समझता कि आखरत पर जोर देने के हवाले से कुरान मजीद में इससे कोई बड़ी आयत हो। हुमा हाजिल हयात दुनिया इल्ला लहवुन वलाइब व इन दार आखिरता लहियल हयावान लव कानू यालमून। तो यह सलूक था हमारा हसर का मफहूम पैदा करना जुमला इस्मिया में, दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। आप मुब्तदा और खबर के दरमियान में हालत रफा वाली जमीर लगाएं जो मुब्तदा के मुताबिक हो और फिर
खबर को आप मारफा कर दें अगर वो नकर है। हो सकता है कि आपकी खबर मारफा ही हो, मसलन एक एग्जांपल उसकी भी दे दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। हाजा किताबुक, ये तेरी किताब है। हाजा किताबु का, ये तेरी किताब है। आप कहते हैं यही तेरी किताब है, ही का मफहूम ही है ना, सादा बिल्कुल हम चलेंगे, ही का मफहूम बस पैदा करें, यही तेरी किताब है। अब इसके लिए आपने इसमें मुब्तदा और खबर के दरमियान एक जमीर लानी है जो मुब्तदा के मुताबिक होगी, हालत रफा वाली। वो क्या निकलेगी? हाजा हुआ, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, आप खबर को आपने मारफा करना है। तो यहां हमें खबर को मारफा करने की जरूरत है किताबों का, ये पहले ही मारफा है। कि क्यों मारफा है, यहां सवाल पैदा होगा। पिछली बातें अब आपने आहिस्ता आहिस्ता याद करनी है, आपकी खबर क्यों मारफा है। हाँ जी, नंबर एक, इसमें अलम जमीर इशारा मौसूल अलिफ लाम पांच, किसी जगह पे नहीं आता। छठी किस्म मुजाफ इलल मारफा, अगर किसी इस्म को आप मारफा की तरह नस्बत दे दें तो वो भी मारफा बन जाता है। तो छठी किस्म में जाकर आपके फिट बैठता है। तो हाजा हुआ किताबों का, यहां पर आप अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, इसलिए भी कि आपके मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। मुरकब इजाफी में आपने पढ़ा है कि मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, ठीक हो गया। तो हाजा हुआ किताबों का, यही तेरी किताब। तो ये उसकी एग्जांपल भी आई आप सामने आ गई। तीन जुमले मैंने आपके सामने लिखे हैं, यहां से बेस कर, उलाए का मुफली होना, ये फलाह पाने वाले हैं। उलाए कल मुफली होना, ये कंस्ट्रक्शन कौन सी है, इस पर गौर करें। इन दो कंस्ट्रक्शंस में फर्क अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको सिर्फ अलिफ लाम का फर्क नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना। दोनों कंस्ट्रक्शन में फर्क क्या है? ऊपर वाली मुरकब इशारी है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है, और नीचे वाला आपका जुमला इसमें है मुकम्मल, ऐसे ही है ना। यानी यही फर्क डालता है ना, ये फलाह पाने वाले, इसका तर्जुमा होगा ये फलाह पाने वाले, और इसका तर्जुमा होगा ये फलाह पाने वाले हैं, ये मुकम्मल हो गया। मुरकब इशारी में मुताबकत इशारा और मुशारुन लय के दरमियान में, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन। जुमला इस्मिया मुब्तदा मारफा खबर नकरा, दोनों हालत रफा में। तो ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन और कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का फर्क। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप खबर को मारफा लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना आमतौर पर खबर आपकी नकरा होती है, मारफा भी हो सकती है। अगर आप खबर को मारफा लाना चाहें तो वो कहीं मुरकब इशारी के साथ मिल ना जाए, फर्क रहे। आप कहना चाहते हैं कि ये फलाह पाने वाले, ये फलाह पाने वाले हैं, या आप कहते हैं ये हैं फलाह पाने वाले। अब देखें, ये ही फलाह पाने वाले हैं और ये हैं फलाह पाने वाले, इन दोनों उसलूब में फर्क है। फर्क महसूस कर रहे हैं ना, यानी वहां आपने कह दिया कि बस यही फलाह पाने वाले हैं और कोई फलाह पाने वाला नहीं है, ये हो गया हसर का मफहूम। लेकिन आप बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये हैं फलाह पाने वाले,